नमस्कार, लाउड इंडिया नमस्कार। टीवी पर आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रदीप गांधी जी। प्रदीप गांधी जी कौन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दरअसल आज हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ द ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के सदस्य होंगे। अब आप पूछेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत पता नहीं है। दरअसल जिन देशों में संसद है, जहां लोकतंत्र है, वहां संसद का एक ग्रुप होता है जिसे पार्लियामेंट्री ग्रुप कहते हैं। पार्लियामेंट्री ग्रुप इसलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट से जुड़े हुए बहुत सवाल या देश से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जब ये पार्लियामेंट्री ग्रुप बैठता है तो ये आपस में उसके बारे में बात करते हैं, और इसके विभिन्न स्वरूप धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हमारे देश में अब तक सारी चर्चा संसद भवन के भीतर या समितियों में होती रही है, लेकिन अब एक नई कोशिश है कि संसद भवन के अंदर से, यानी राज्यसभा लोकसभा से अलग, स्थायी समितियों से अलग भी चर्चा हो जिसमें पार्लियामेंट्री ग्रुप के लोग हों, जिसे हम इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कहते हैं। और ये शो है द ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट्री शो। इस ग्रुप में पहले सदस्य के रूप में, जो इस समय आईपीजी जिसे कहते हैं, आप इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप याद रखिए, ज्यादा अच्छा है, प्रदीप गांधी जी उसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, सभी इसके सदस्य हैं। महत्वपूर्ण सांसद इसके सदस्य हैं, जो अभी हैं और जो नहीं हैं। यहाँ पर सब बराबर हैं, कोई न वर्तमान है न भूतपूर्व है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम में कोई भी ये कोशिश करेंगे, हालांकि जहां राजनीतिज्ञ होता है वहां कहीं ना कहीं से राजनीति आ जाती है, लेकिन ये शो राजनीतिक राजनीति के लिए नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप हैं सीधे साधे इंसान, भोले भाले इंसान, देश के प्रति चिंता रखने वाले इंसान, देश की समस्याओं से चिंतित स्थान चिंतित व्यक्ति, उसी तरीके से आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। आपने अपने आसपास क्या देखा है जो आपको सालता है, जो आपको कचोटता है, जो आपको प्रेरित करता है? ऐसे ही ये लोग भी हैं। प्रदीप गांधी जी उसके एक उदाहरण है। प्रदीप गांधी जी की मैं कोई भी राजनीतिक बात इसलिए नहीं पूछना चाहता उनसे, क्योंकि मैं इंसान व्यक्ति प्रदीप गांधी के बारे में और उनका परिचय, उनकी शख्सियत आपके सामने लाना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि सामने आ जाए, अगर प्रदीप जी सहयोग देंगे तो। जरूर प्रदीप जी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के इस नए शो के प्रथम दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये बताइए कि आप को माँ ज्यादा प्यार करती थी, आपके पिता आपको प्यार करते थे? देखिए, माँ तो प्यार करती है और पिता भी उतना ही प्यार देते थे, क्योंकि वो संघर्ष करते हुए जीवन को व्यतीत किए, तो अपने बच्चों को माँ का प्यार तो विशेष रहता है, लेकिन पिता से कर्म की प्रेरणा मिलती है और वो भी बराबर प्यार करते थे। और दोनों का प्यार मिला, यद्यपि दायित्व आने के बाद लंबे समय तक वो हमारा साथ नहीं दे करके बीच में ही ये जो नश्वर शरीर है, पंच तत्वों की काया, उसको वो छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी बिल्कुल स्मृतियां और उनके संस्कार हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको अपनी माँ की पहली छवि क्या याद है? देखें आपकी स्मरण शक्ति कितना आपका साथ देती माँ है। की छवि ऐसी कि माँ मेरी उड़ीसा से थी, और जब वो उड़िया में गीत गाती थी देशभक्ति की, तो वो छवि आज भी याद आती है कि उड़ीसा हमारे भूभाग से लगा हुआ, तो जब भी मैं उड़ीसा जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ ये मेरी माँ का गांव है, मेरी मौसी का गांव है। तो एक जो अपनापन होता है देश में, अलग अलग प्रांतों में, तो जब भी माँ उसकी क्यों, छवि याद आती प्रदीप जी, माँ क्यों जी, देशभक्ति के गीत गाती थी, क्या वो कारण बचपन थे? बचपन में वो खरियार रोड में पढ़ी, और बचपन में स्कूल में जब वो किसी नृत्य में, कविता में वो गाना गाती थी, तो वो बचपन की यादें वो ससुराल में भी लेके आई, और जब हम लोग छोटे थे तो हमें वो गीत सुनाया करती थी, जिससे कि वो देशभक्ति की प्रेरणा का बीजारोपण हमारे अंदर कर दी थी। कोई लाइन याद है? वो चूंकि उड़िया मुझे आता नहीं,
देखिए ना, देखिए, अब चूंकि वो एक स्मृति स्मृति हाँ, शक्ति की चूंकि परीक्षा परीक्षा है, लेकिन चूंकि उड़िया उड़िया था, उड़ीसा भाषा में उनको वो बोलती थी, मारो तो बापू रे गांधी छे, और वो अच्छा सुनाती थी। तो और हम लोग जाते भी थे उनके गांव, अभी फिर प्लान कर रहे हैं कि उसकी मातृभूमि को प्रणाम करने के लिए हम लोग एक बार उस गांव में जाने की इच्छा बना रहे हैं, और जाकर के प्रणाम करके आएंगे। हम लोगों से क्या मतलब? मतलब हम हैं, हम चार भाई हैं, बहन हैं, और मौसी के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो ये सब लोग ऐसा एक प्लान कर रहे थे कि भाई एक बार चलो उस धरती को प्रणाम करके आएंगे, मिट्टी को, जहां हमारी माँ ने जन्म लिया, संस्कार पाए, हमको दिया, और वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी सहेलियां आज भी होंगी, उनसे मिलेंगे। तो इन चार भाइयों में आप सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं? मेरा मेरा एक बड़ा भाई है, मैं दूसरे नंबर का, फिर बहन, और फिर दो भाई, चार भाई एक बहन। अच्छा, बचपन में अक्सर होता है जब बहन तो बीच बचाव करती है, लेकिन जब भाई होते हैं तो धौल धप्पा होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है। वो तो तो ज्वाइंट फैमिली बड़े भाई आपको कितना टाइट करते थे? नहीं, वो तो कम करते थे, लेकिन हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार, माने हमारे पिताजी लोग भी चार भाई, फिर हम लोग 14 भाई सबके, तो इस तरह से धूम धड़ाका और मस्ती का जीवन तो व्यतीत हुआ बचपन में, और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते थे, और एक दूसरे को समय समय पर डांटते भी थे, तो वो तो जीवन का एक अंग है, वो रहा है। तो और पिताजी की पहली छवि कोई याद हो पिताजी, या? हमें पिताजी शुरू से वो कर्म को ही पूजा कहा करते थे, जैसे एक होता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई 1 घंटा करता है, कोई आधा घंटा करता है, कोई दीप जलाता है, तो वो सदा कहा करते थे बेटा कर्म ही पूजा है, यानी जो काम करो उसको पूजा मान करके आप करोगे। तो जीवन में कभी कभी हम लोगों के मन में आ जाता था पलायन का विचार आ जाए, कोई साधु बन जाए, एक मन में आता है ना कभी कभी। तो एक बार ऐसे ही ऋषिकेश गए थे, वहां से पत्र लिख दिया कि भाई अब तो इसी तरफ जीवन व्यतीत करने का मन हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि कर्म को ही पूजा मान करके और परिवार बसा करके पलायनवादी होने की आवश्यकता नहीं है, और अपना काम जीवन में करते रहना चाहिए, और उन्होंने सदैव अपने कर्म को प्राथमिकता दी और वैसा ही जीवन व्यतीत किया, और वही प्रेरणा हमें भी दी। प्रदीप जी, स्कूल आपके गांव में था या गांव से दूर था? प्राइमरी गांव में स्कूल? प्राइमरी स्कूल गांव में ही था, जो एक टीचर स्कूल था जिसको हम लोग कहते थे नॉर्मल स्कूल, और स्कूल जाने में बड़ा थोड़ा सा कठिनाई थी, पढ़ने में कमजोर थे, तो हमारे बड़े पिताजी की अच्छी डांट पड़ती थी, और उन्होंने ही हमें प्रेरित किया पढ़ने के लिए, और धीरे धीरे फिर हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़े। तो गांव में कौन सा शिक्षक आपको याद है जो अपनी बात आपको समझा पाता था या आपको पढ़ाई में आपका ध्यान लगा रहे इसकी कोशिश करता था? देखिए, एक शर्मा सर थे, एक पटेल सर थे, और एक भट्टाचार्य सर थे। वो भट्टाचार्य सर जब पढ़ाते थे और जब हम ठीक से नहीं जवाब देते थे, तो वो ये उंगलियों की हड्डी से यूं मारते थे, यानी इसकी जो मार है ना, वो मार जबरदस्त होती थी, और फिर याद भी जबरदस्त करना पड़ता था। तो ये जो तीन टीचर जिन्होंने बचपन में पढ़ाया, उसमें से तो दो लोग तो देवलोक गमन हो गए, एक व्यक्ति है। तो इस तरह से बचपन में थोड़ी शैतानी ज्यादा होती थी, तो लेकिन एक बात है कि उस स्कूल में पढ़ने के साथ साथ खेती का भी काम करा देते थे, तो वो जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी कि पढ़ो और कमाओ, तो प्राइमरी में चौथी पांचवी में भी गए तो खेतों में कूदना, मिट्टी के अंदर जा करके रोपा लगाना धान का, तो ये कुछ चीजें जो है वो जीवन की अविस्मरणीय क्षण है, और वास्तव में ये लगता है आज की परिस्थिति में कि पढ़ने के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की भी थीम आनी चाहिए, इससे व्यक्ति के अंदर जो मौलिक चिंतन है या मौलिक कुछ काम है वह भी गति पकड़ लेता है, इसलिए स्किल अति आवश्यक है, और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ कार्य होते रहना चाहिए, इससे व्यक्ति का स्किल अपग्रेड होता है और वो जीवन में गतिशील बना रहता है। स्कूल में आपके दोस्त बने?
स्कूल में दोस्त बने, बचपन के भी दोस्त हैं और वो आज भी स्मरण में आते हैं। बचपन के कई दोस्त आज भी गांव में जब जाता हूँ तो मुझे याद है, बचपन में एक अभी होटल है तो उसकी मदर जो है वो पेड़ा बना कर रखती थी और हम लोग स्कूल जाते समय वहाँ से कुछ पेड़े निकाल लिया करते थे। और आज उसका उसकी मदर तो नहीं है लेकिन स्मृतियाँ आज भी याद है, तो वो होटल है उसका वहाँ, तो आज जाते हैं तो उसके दो बच्चे बड़े बड़े बैठते हैं। मैं कहता हूँ देखो भाई हम लोग बचपन के साथी हैं और तुम्हारी दादी जो है वो पेड़ा बनाया करती थी और हम लोग उसमें से दो चार पेड़े टपका करके और स्कूल चले जाते थे। तो अब बच्चे हैं उनके, वो भी याद करते हैं, वो मित्र भी है। ऐसे और बचपन के साथी हैं जो जब गांव जाता हूँ तो सबसे मिलना जुलना होता है, प्रेम होता है और वो जो बचपन की आत्मीयता है वो आज भी कायम है, वो प्यार, वो स्नेह, अपनापन। तो वो जो बचपन का दोस्त, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बड़े होने तक आपके, जब आप अपने कैरियर की तरफ मुड़ रहे थे उस समय तक कोई आपका दोस्त रहा हो? नहीं, दोस्त तो वो थे लेकिन कुछ अपने व्यवसाय में लग गए, कोई नौकरी में चला गया, कोई किसी में चला गया, लेकिन मैं अगर प्रगति के रास्ते पर बढ़ता था तो उनको उत्साह लगता था, उनको प्रसन्नता होती थी और वो टेलीफोन पे कहते थे भैया आप आगे बढ़ो, आप जिला परिषद में अध्यक्ष बना तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, MLA बना तब भी सपोर्ट किया और सांसद बना तब भी उनका कहीं ना कहीं एक जो बचपन का जुड़ाव था, भले वो वैचारिक रूप से किसी अन्य दल से जुड़े हों लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका मेरे प्रति स्नेह था और उस स्नेह का लाभ मुझे प्राप्त हुआ। बचपन में पढ़ने वाली लड़कियां भी, बहनें भी, वो अगर शादी होके कहीं चली गई लोकसभा क्षेत्र में तो जब चुनाव के दरमियान में गया तो वहां पर भी लोग आए, भैया बचपन में अपन छठवीं सातवीं में साथ पढ़े हैं, मैं यहाँ ब्याह हो शादी होकर के इस गांव में आ गई हूँ। मैं कभी मोर्चा अब तुमको संभालना है, ये इलाका तुमको देखना है, अब आपका भाई चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह से जो बचपन में कोई हमारे भाइयों के साथ भी आगे पीछे पढ़े थे उन लोगों ने भी याद किया कि भाई हम आपके बड़े भाई के साथ थे, कोई छोटी बहन के साथ था। तो इस प्रकार से ये जो कारवा है वो बढ़ा चला जाता है और मैंने ये अनुभव किया है कि आप पद में ऊपर पहुंच जाइए, जो आपके साथ जुड़ा है उसका उत्साह और एनर्जी, उसको जीवन में कभी आपसे कोई काम नहीं पड़ेगा लेकिन उसको ये एहसास रहता है कि संतोष जी मेरे परम मित्र हैं, फलाना मेरे मित्र हैं, तो ये एहसास होना भी जीवन में जरूरी है और आनंद के लिए आवश्यक है। प्रदीप जी, आपके आपकी आपकी बातचीत से लगा मैं सवाल पूछता लेकिन मैं संकोच कर गया कि को एजुकेशन थी आपके साथ, तो आप लड़कों को ज्यादा दोस्त बनाते थे या लड़कियों को? नहीं देखो, लड़के तो दोस्त बनते थे लेकिन एक लड़की बचपन में थी तो हम लोग क्या करते थे, वो उसका नाम था आसमा, तो ईद की सिवाई खाने उसके घर भी जाते थे और उस वो चूंकि दुपट्टा रखती थी तो हम लोग पीछे से दुपट्टा खींच देते थे स्कूल जाते समय, तो वो आज भी याद है। और एक दिन अचानक वो BSNL में सर्विस करती है और बीच में उनके पति का इंतकाल हो गया, तो अचानक एक दिन मुलाकात हुई थी, तो वो भी अपने परिवार के साथ नौकरी कर रही है और संतुष्ट है। तो बचपन के ऐसे कई यादें हैं जिन यादों को हम लोग सजो करके अब मिलते जुलते रहते हैं। स्कूल में कोई प्रार्थना होती थी? हाँ, प्रार्थना होती थी, इतनी शक्ति हमें देना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये जो प्रार्थना थी, ये प्रार्थना एकदम अंदर से झकझोर देती थी और वो परमपिता परमात्मा, चाहे वो गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, ये एक शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती थी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि हम राष्ट्रगीत तो गाते ही थे, उसके पहले हमारे यहाँ पे प्रार्थना होती थी और इस प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि इस प्रार्थना के आधार पर हम लोग कई समस्याओं का समाधान स्वमेव ढूंढ लिया करते थे। और मैं तो चाहूंगा जी, हाँ, एक सवाल है यहाँ पर कि ये तो सिनेमा का गाना है, नहीं, ये नहीं, तो नहीं, अंकुश फिल्म का गाना है जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, और नाना पाटेकर की फिल्म है ये,
नहीं वो, लेकिन वो गाना स्कूलों में गवाया जाता है आज, आज भी कई स्कूलों में अलग अलग स्थान, जैसे मेरे यहाँ एक गायत्री परिवार का हमारा स्कूल है, उस स्कूल में लगभग जो पूरी प्रार्थना है वो बड़ी सिस्टमेटिक होती है। फिर सद्वाक्य भी होता है, किसी महापुरुष के अच्छे वचन हैं उसको भी कोई एक बालक या बालिका आकर पढ़कर बताती है। 5,000 बच्चों का स्कूल संचालित हो रहा है। तो ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पद्धति से प्रार्थनाओं को स्थान दिया हुआ है, और वो प्रार्थना व्यक्ति के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करती है। प्रदीप जी, आप खुद गाना गाते हैं ऐसा लगा, जो प्रार्थना का नहीं, भी गाना आपने तो सुना है। गाना तो कम गाता हूँ, लेकिन बस ये कभी कभी इस तरह की प्रार्थना या और कोई चीज होती है तो वो गा लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर तो स्पीच ही देने की आदत है, क्योंकि लोकतंत्र में आप जानते हो नहीं, जिला परिषद। वो तो जब आप राजनीति में आए तब ये आदत आपकी पड़ी। उसके पहले नहीं, जो उसके पहले विभिन्न नौजवानों के जो विभिन्न गुण होते हैं, जैसे वो सिनेमा देखते हैं, जी साथ मिलकर के चौराहे पे खड़े होकर फप्तियां कसते हैं, एक सामान्य जिंदगी बिताते हैं, आप हाँ उनमें से क्या-क्या करते थे? देखिए, मैं पहले तो लोगों को संगठित करता था, यूथ सिनेमा लोगों कभी को। नहीं गए? पहला सिनेमा सिनेमा जाते याद थे? है? ना 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 ना, सिनेमा जाते थे, रोटी रोटी पिक्चर। पहली हाँ तो पिक्चर सिनेमा, कौन सी याद है? पहली पिक्चर रोटी कौन सी? रोटी रो, है, रोटी 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 रोटी। उसमें। और वो गांव में जो है, हमारे यहाँ एक छोटी टॉकीज थी, और वो रामदेव टॉकीज नाम था उसका। तो उस टॉकीज में जाना, वहीं पर फिल्म देखना, और उसके बाद स्कूल अवधि में बच्चों को संगठित करना। एक पंचशील क्लब बनाए थे, पंचशील यानी जैसे बुद्ध के पंचशील है, तो उसी तरह से पंचशील क्लब बना करके विकलांगों की सेवा के लिए कोई ना कोई कैंप करना, जिससे कि सामाजिक सेवा के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और वो लोग संगठित हों और फिर काम करना। और वैसे ही जैसे घर घर तुलसी लगाना, तो गायत्री परिवार के साथ मिलके तुलसी का पौधा गमले में तैयार करना और ठेले में रख करके घर घर तुलसी का पौधा पहुंचाना। तो ये तो आप 20-21 साल की उम्र में करते होंगे ना? नहीं, ना 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 साहब, ये तो हमने 12, 14, 15 साल में ही शुरू कर दिया, यानी बचपन में सब गांव, अब गांव में पढ़ाई का माहौल था अपना, संगठित हुए कुछ काम, क्रिकेट भी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, वो भौंरा खेलना। तो ये खेलते खेलते विचार आता था कि यार कुछ और किया जाए, विकलांगों को देख के, कमजोर वर्ग के लोगों को देखकर मन में होता था कि इनके लिए कुछ किया जाए। और जो लोग समाज के अग्रणी थे वो लोग कुछ करते थे तो उसमें एक्टिव रोल अदा करते थे, ताकि उनसे कुछ सीखा जी। प्रदीप जी, कभी आपने सिगरेट पी है या पान खाया है? पान तो जम के खाता हूँ साहब, मजेदारी से। अभी भी हमारे यहाँ का स्पेशल पान है, अगली बार दिल्ली आऊंगा तो आपको वो पान खिलाऊंगा मैं। तो पान तो मैं बराबर ग्रहण करता हूँ नहीं और नहीं नहीं शौक नहीं कभी कभी दोस्तों के साथ लोग, होता है कि स्वाद के लिए ही सही देखें मुंह से धुआं कैसे निकलता नहीं है नहीं नहीं वो सिगरेट। बीड़ी 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 एक आध बार पिया है। बीड़ी हमारे यहाँ का फेमस है ना, रणवीर बीड़ी, गाय छाप बीड़ी, ये इलाका जो है पूरा ये तेंदू पत्ता का उत्पादन का केंद्र है, और यहीं से पूरे अच्छा, भारत में, छत्तीसगढ़ से संपूर्ण भारत में तेंदू पत्ता जाता है, जिसमें तंबाकू भर करके बीड़ी बनाई जाती है, यद्यपि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो लेकिन ठीक है, शौक। लेकिन लेकिन नहीं, बचपन में इतना कहाँ पता होता है क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या नहीं। बराबर, ठीक ठीक तो किस उम्र में आपने उस तेंदू और पत्ते की बनी बीड़ी का स्वाद लिया? ये होगा 17-18 साल की उम्र में। तो ये एक प्रकार का जीवन का आनंद है। और लोग मजदूर, हम जहाँ बैठते थे वहां पर लगभग 100-125 लेबर प्रतिदिन बीड़ी बनाकर लाते थे। हमारे यहाँ एक कांतिलाल दवे करके थे, वो उस कारखाने के मैनेजर थे। तो बचपन में गणेश दुर्गा सारे कार्यक्रम, और मजे की बात, एक हमारे यहाँ पर मिश्रा जी थे, बैंक में आए, SBI में, अब उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे रिक्शा में बैठा के कहा कि तुम केवल अलाउंस करोगे गांव में घूम के। देखिए बोलने की स्पर्धा कैसे आई, कि हम बोलना कैसे कब सीख गए और कब हम मंचों में जाने लग गए और कब बड़े बड़े मंचों में पहुंच गए, वो बचपन में
रिक्शे में बैठ करके और माइक लेके जाते थे कि आज गणेश में शाम को रात्रि में फलाना बच्चों का ये प्रोग्राम होगा। तो इस तरीके से जब कैसे 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 करते थे, मान लीजिए आपके पास कोई पेन है आपके हाथ में या कोई कुछ भी रखा है, उसको माइक की तरह मुंह पे रखिए और अनाउंस करके बताइए। देखिए ऐसा माइक लिया और माइक लेकर के हम गांव में निकलते थे, भाइयों बहनों आज नवरात्रि के पावन अवसर पर द्वितीय दिन दुर्गा पूजा के अवसर पर बाजार चौक में आज पंडवानी का प्रोग्राम होगा और इस पंडवानी में फला फला आएंगे, अतः समस्त नागरिकों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचें और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। ये वो मिश्रा जी की प्रेरणा थी जो SBI में आए थे और हमारे पिताजी से दोस्ती थी, कहे यार जवान लड़के हो जरा थोड़ा घूम करके ये बताओ लोगों को मालूम चलेगा कार्यक्रम है तब तो भीड़ आएगी। और हम उत्साह से बैठ के वही काम मैं फिर अपने दुकान में करता था कि मेरी कपड़े की दुकान थी तो मैं कहा करता था भाई सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ कपड़ा लेने का स्थान प्रदीप वस्त्रालय, तो वो मैं छत्तीसगढ़ी में भी बोलता था अपना कि भाई यहाँ पर आए और कपड़ा प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ी में बोल के बताइए। दाई दीदी बहनी जम्मो संगवारी मल्ला न्योता है, ये प्रदीप वस्त्रालय कपड़ा के दुकान हवे और सस्ता सुंदर टिकाऊ कपड़ा खरीदे बर आप हमर डहर आओ और सस्ता से सस्ता सुंदर टिकाऊ कपड़ा लेके जाओ मटिया रोड प्रदीप गांधी के कपड़ा दुकान। क्या बात है, क्या बात है। अब प्रदीप जी उस उम्र में प्रतिस्पर्धा सिर्फ खेलों की नहीं होती थी, ईर्ष्या की भी होती थी, तो उसमें झगड़े भी होते होंगे और कड़े झगड़े भी होते होंगे, तो आप कैसे झगड़ा करते थे, किन किन लोगों से झगड़े हुए? देखिए ईर्ष्या कभी कभी होती थी। एक हमारे मित्र थे वो खूब पढ़ने में होशियार थे, सुरेश जैन, उसको वो इंदौर चले गए थे बाद में, और एक हमारा मित्र था सुभाष नाहटा, तो कई बार जब पढ़ाई में कोई ज़्यादा तेज निकलता था तो थोड़ी ईर्ष्या होती थी कि यार अपन पीछे हो गए हैं, लेकिन मिलकर पढ़ते थे रात में और साथ साथ आगे बढ़े। ये जरूर था कि एक मनोज केसरिया करके अभी डिप्टी कलेक्टर है, वो भी पढ़ने में होशियार था, तो कभी कभी उससे बोलते थे भैया तू होशियार है गणित में, तू समझा हमको, है ना, क्यों हम कमजोर हैं, तो तू अगर होशियार है तो तू समझा। तो इस तरीके से ये जो बचपन के मित्र मंडली है उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, समझने को भी मिला, और कोशिश यही करते थे कि एक दूसरे का सपोर्ट बन करके और काम को आगे बढ़ाएं। पर कभी हाथ पैर की मारपीट किसी से हुई? थोड़ा बहुत तो जीवन में होता ही है, कभी बाटी खेलते खेलते कोई, हाँ कुछ लोगों के साथ में ऐसा एक दो बार हुआ, लेकिन फिर हम लोग 14 भाई थे ना, तो हमारे भाई सब खड़े हो जाते थे तो लोग थोड़ा डरते थे कि भैया इनको छेड़ोगे तो पिटाई धुन अच्छी होगी, एक की जगह 14 की सेना आ जाएगी तो वो तो खैर बाद में हुई, लेकिन पहले तो शुरू में हम लोग 4-5 भाई जो हम उम्र के थे, मैंने मुझसे मेरा हमारे पिताजी और बड़े पिताजी की जो संतानों के बीच हमारा 2 महीना 6 महीने का गैप हो जाता था, तो इसलिए फिर धीरे धीरे इस तरह से परिवार रहा। और गांव एक छोटा सा गांव था, गांव में पुराने संस्कार थे, 15 अगस्त 26 जनवरी को कविता पाठ करना, कार्यक्रम करना, खेलकूद करना, और वही सरपंच महोदय या गांव के लोग प्रोत्साहन स्वरूप 5 रुपया 10 रुपया दिया करते थे और उसी से बैटरी चार्ज हो जाई करती थी, और वही संस्कार बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया और हम लोग फिर अलग अलग दायित्व में चले गए। तो आपने किसी लड़की से वादा तो किया, उसी से शादी की या शादी फिर घर वाले ने? ये तो हमारे यहाँ पर विवाह की जो परंपरा है उस परंपरा में प्रस्ताव आया, फिर हम देखने गए। ये है कि प्रथम बार में ही हमने अपनी पत्नी का चयन एक ही बार में काटोल गए, उनके पिताजी डिप्टी कमिश्नर सेल्टेक्स थे, वो आए, उन्होंने प्रस्ताव दिया, हम गए देखे और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और विवाह हो गया। तो क्या खास देखा आपने उस समय जो शादी के लिए हाँ कह दी? नहीं देखिए ऐसा है कि भाई उस समय विवाह का प्रस्ताव आया, गए, थोड़ी बातचीत हुई,
और जैसा होता है कि भाई रूप रंग आदमी देखता ही है, तो परिवार भी अच्छा था, वो भी बातचीत से हमको जच गया। यद्यपि वो कहा करती थी कि भाई मैं पॉलिटिकल आदमी, क्योंकि मैं उस समय नेतागिरी में आ चुका था, तो वो उससे जब कभी हमने पूछा तो वो कभी कहती थी कि मैं कह रही थी भाई देखो कहाँ पॉलिटिकल आदमी, उनके पास एक और प्रस्ताव आया हुआ था लेकिन उनका विलंब से आया, उसके पहले हम चले गए और प्रस्ताव दिया और स्वीकृत हो गया। हाँ ये जरूर है कि मैं आने के बाद उनको बराबर प्रेम पत्र लिखता, वो आज भी प्रेम पत्र रखा हुआ है, वो पढ़ती है तो मजा, बोले आप तो पहले से ही प्रेम पत्र में इतना लिख देते थे कि मेरा दिल जो है आपके साथ एकदम रम गया था। तो वो क्या पत्र बात है, संभाल के रखी हुई है। तो जब किसी के साथ विवाह संबंध स्थापित होना है तो भावों और विचारों का संगम भी हो जाए तो उससे मन मिल जाता है, उसको तो प्रदीप जी असहज नहीं होता। क्या जब जब आप पहली बार मिले तो आपको याद तो, क्योंकि वो बातें भूलने लायक तो है नहीं, आप बताइए आपने क्या बातचीत की? नहीं मैं तो यही सामान्य बातचीत किया और कोई विशेष नहीं बातचीत सा नहीं थी। नहीं सा, नहीं सामान्य क्या? नहीं सामान्य में भाई आपकी पढ़ाई ये, और मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा काम तो थोड़ा घूमना है, रहेगा, पंप का व्यवसाय भी करता था मैं उस समय, किसानों को पंप पहुंचाने का। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, वो भी एक जॉइंट फैमिली से ही रही है और सादा सिंपल था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और हमने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी और फिर गायत्री परिवार में हमने विवाह कर लिया, वहीं बुला लिए। गायत्री परिवार में क्यों किया, उस पद्धति से क्यों किया? वो इसलिए किया कि मैं गुरु जी से प्रभावित था, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, अच्छा ये मेरे गांव आए थे डोंगर गांव, चूंकि वो तो बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और उसके बाद उन्होंने जितनी किताबें लिखी, जो सद्वाक्य उन्होंने लिखा उसको पढ़ पढ़ करके इतनी प्रेरणा मिलती कि जीवन के कभी भी किसी क्षण हम अगर कहीं अटक जाते थे तो उनका साहित्य हमें प्रेरित करता था, निराशा में भी आशा का पुंज के रूप में मैंने गुरुदेव के साहित्य को सदा जीवन में देखा। तो मेरा विचार हुआ कि छोटी पद्धति से एक संस्कार करते हुए और विवाह कर लिया जाए, तो इन लोग वहां आ गए और गांव में हमने वो मंदिर बना हुआ था, मंदिर की वेदी पे ही गायत्री पद्धति से विवाह संपन्न हो गया। हाँ, उन्होंने गायत्री मंदिर बहुत बनाने की प्रेरणा दी थी, और पूरे यस इस समय तो सारी दुनिया में उनका मिशन फैल गया है। पूरा पूरा मिशन फैल गया, और वो कहते हैं मैं विचारों का पुंज हूं, मेरे विचारों को ही आप फैला दो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ये उनका नारा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा आप बचपन में क्या सपना देखते थे बनने का, पायलट, पुलिस अफसर? है। नहीं मैं तो कभी कभी आसमान में उड़ता हुआ ऐसा कुछ मन में आता था सपने में, यार कुछ ऐसा किया जाए, वो हवाई जहाज उड़ती है, ये उड़ता है, तो लेकिन वो सपना रहा, वो हकीकत में, क्योंकि जीवन के किस मोड़ पर कब सपने विलुप्त हो जाते हैं और कौन सी धारा में आदमी बह जाता है, परिस्थितियां कब क्या बना देती हैं। अब हम लोग, हमारे बड़े पिताजी को चुनाव की टिकट मिलने वाली थी, वो नहीं लिए, और हम लोग उसमें धीरे धीरे संघ बैकग्राउंड से आते हुए और धीरे धीरे जुड़ करके और राजनीति के क्षेत्र में आ गए। तो सपने कई बार हकीकत में परिणित होते हैं और कई बार सपने सपने ही रह जाते हैं और दूसरा लाइन मिल जाता है। हमारे भी जीवन में कुछ लिखा होगा तो ये लाइन हमने पकड़ ली थी और इसी लाइन पर आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब यह है कि राजनीति में आप संयोगवश आए या योजना पूर्वक आए? मैं ये कह लो इसको कि बचपन में हम लोग संघ बैकग्राउंड के थे, शाखा में जाना हमारा काम था और उसमें संस्कार मिलते थे कि भाई कुछ सेवा के भी काम करो, संगठन का भी काम करो, और इसके माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक व्यक्तियों का प्रवास होता था, राजमाता जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय और नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तो जब संपूर्ण प्रवास होता था तो लोगों से मिलना होता था, मिलना होता था। अब आपने यही राजनीति कर दी ना। उस समय नरेंद्र मोदी जी कहाँ घूम रहे थे? नहीं वाह वाह कैसे, ना वो ना तो खुद ना ही ना ना,
वो तो आप खुद ही कह क्या, रहे हैं कि मैं हिमालय में था और कितना भिक्षा नहीं मांग के खाता था। नहीं नहीं वो मतलब प्रचारक जीवन ना था ना, तो भिक्षा का मतलब प्रचारक जीवन क्या है? प्रचारक जीवन संपूर्ण परिवार को छोड़ करके संपूर्ण राष्ट्र को परिवार मानना, और वो ठीक संपूर्ण है। राष्ट्र को परिवार मान के वो चलते थे। नहीं नहीं वो तो नहीं मैं ये मानता हूँ बाकी लोग आए होंगे, लेकिन मोदी जी कहाँ से आ गए जो आपने हमारे आज नहीं, आज मोदी जी को जोड़ दिया। नहीं हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ पे उसके पहले संघ के उससे, और जब प्रचारक जीवन में थे तो उनका प्रवास तो संपूर्ण भारत में होता ही था। आज भी संघ के अनेक प्रचारक, कुशाभाऊ ठाकरे वो भी अच्छा एक प्रदीप प्रचारक जी थे। ठीक जी है, मैं मान लेता हूं कि आपने इसको ईमानदारी से सच ही कहा होगा, वैसे मुझे शक यस है, हाँ लेकिन लेकिन तो उस शक को मैं अंडरलाइन करके आपको बता देता हूं कि मुझे शक है आपके इस वक्तव्य पर। मुझे जी ये बताइए कि आपने अभी तक जो जीवन गुजारा है उसमें सबसे मार्मिक घटनाएं कौन सी आपको याद है? देखिए, एक घटना याद आती है मुझे राजनीति की। मैं जब 1994 में जिला परिषद का अध्यक्ष बना, संपूर्ण मध्य प्रदेश एक था, 45 जिले थे, और एक दो हम अध्यक्ष बने थे जिसमें एक मैं राजनांदगांव जिले का अध्यक्ष बना था। मैं अल्पमत में था, 10 मेरे सदस्य थे, 14 कांग्रेस के थे, और मैं उसमें जिला परिषद का अध्यक्ष बना। और जब जिला परिषद का अध्यक्ष बना और जब मैं दिल्ली गया 6 महीने बाद, तो मुझे वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी तीनों ने लड्डू खिला करके अभिनंदन किया। ये वो क्षण है जो उस समय पूरे प्रदेश में केवल हम दो थे, मैं था और एक जबलपुर से श्रीमती प्रतिभा जी थी, हम दो अध्यक्ष थे, और मेरा उपाध्यक्ष नाथूराम जी था। तो गांधी के साथ नाथू का कॉम्बिनेशन था, सुसहयोग था। तो वो क्षण मेरे लिए राजनीतिक दृष्टि मैं से एक बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण क्षण था, था, लेकिन महत्वपूर्ण था। मैंने मैंने इस आशा से नहीं पूछा। जी मार्मिक मैंने वो जो हृदय विदारक घटना हो, आप जनता के बीच में घूम रहे हो, आप जनता या आपने चाहे चाहे जिसके जहां भी रहे हो, आप युवा रहे हो, आप जिला परिषद में रहे हो, आप फिर सांसद बने हो, लेकिन आम जनता के बीच में जाकर के कोई ऐसी घटना या आप को याद हो जिसने आपको हिला दिया हो, आपको रुला दिया हो जनता की हालत देख करके, ऐसी कोई घटना याद है? एक घटना, जब यहाँ नक्सलियों ने 76 लोगों की हत्या की, उसमें हमारे इंक्लूडिंग एसपी महोदय भी थे, मैं उस दिन इस दुख के साथ हृदय विदारक घटना को देख के, क्योंकि मैं जब 1994 में उन्हीं क्षेत्रों में जाता था, रात्रि विश्राम करता था, वही ट्राइबल लोगों के बीच, सारे लोगों के बीच गांव में जाता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब ये घटना घटी और उनको हमने कंधा दिया, उस दिन मुझे लगा कि देखिए, हो सकता है कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, और इस तरह से नृशंस हत्या कर देना, वो मेरे हृदय को बहुत गहरा चोट पहुंचाया। और क्योंकि अल्टीमेटली किसी की भी हत्या हो तो ये मानवीय संवेदना को झकझोर देता है, और मुझे उस दिन बड़ा गहरा आघात लगा था कि इस तरह से हम इतने लाशों को कंधा दे रहे हैं। तो ये मुझे, जो शहीद हो गए उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वो क्षण मेरे लिए बड़ा दुखदायी क्षण था। प्रदीप जी, मैंने तेंदुपत्ते को लेकर के अपने पत्रकारी जीवन में, जब मैं रविवार में था, मैंने काफी अच्छा स्टोरी की है, और जी खासकर बांदा, सतना, इस सब हाँ इलाके में बहुत घूमा हूँ। रातों में मैंने रातें गुजारी हैं उनके साथ, जाड़े की रातें, और राइट मैंने देखा है कि सारी रात वो नृत्य इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि उनको मजा आता है, इसलिए करते हैं ताकि वो ठंड से बच सकें, उनका राइट शरीर चले और वो उस गरम सर्दी से बच सकें, क्योंकि उनके पास कोई साधन होते नहीं है सर्दी से बचने के। मैं आपसे, क्योंकि आपने अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी थी, तेंदुपत्ते के मजदूरों के बीच में आप रहते थे या देखते थे उनको काम करते हुए, जो वीडियो बनाते हैं, ये जी सब गरीब लोग हैं, और जो जिन आदिवासियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो नक्सलवादी कहे जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि वो सामाजिक भाष्य का फर्क है, लेकिन इनका जो शोषण होता है, इनकी जो गरीबी है, इनकी लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार ये
ठेकेदार करते हैं, बाहर की कंपनियों के गए हुए लोग, इन लोगों की हालत देख करके कभी आपकी आंखों में आंसू आए कि ये इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो जो महुए की शराब भी पीते हैं, वो भी उस ठंड को भगाने के लिए पीते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं इस अपनी अपने अनुभव को आपके साथ इसलिए बांट रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि एक व्यक्ति के नाते, मैं राजनीतिक हाँ, प्रदीप गांधी से बात कर ही नहीं रहा हूं, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपको इसने कहीं नहीं हिलाया है तो आप असंवेदनशील हैं। आप संवेदनशील तभी हो सकते हैं जब इन गरीबों की गरीबी और इनकी उस भूख, बेरोजगारी, लाचारी को देख करके आपके मन में क्या-क्या भाव आए, ये मैं जानना चाह रहा हूं। और देखिए, प्रदीप जी, ईमानदारी से बताइए। हाँ बिल्कुल, आप जब गए होंगे सतना, बांदा या मध्य प्रदेश के उस भूभाग में जहां आपने ये देखा, तब आप जब गए थे तब मजदूरी का रेट क्या था और आज क्या है, ये दोनों में अंतर आ गया। इन दिनों में इस प्रदेश की दोनों सरकारों ने उनके हितों में काम किया और वर्तमान की सरकार भी अपना अपने दृष्टि से करीब 4,000 रुपया तेंदुपत्ता की मजदूरी कर दी है तोड़ने की। तो इसका मतलब है कि जब मैं था उस समय तो बहुत कम था, 500 रुपया था, फिर 1,000, फिर 2,000, फिर 2,500, फिर तीन सर हजार अब 4,000। सर सर उसी समय का अनुभव बताइए ना, आपको कोई याद हो तो। नहीं, आप उस सरकारों की तारीफ न नहीं मत नहीं कीजिए, नहीं आप मैं ये बताइए सरकारों कि का नहीं। आप जिस समय की बात कर रहे हैं कि जब मुझे याद है तो इस तरीके की मजदूरी होती थी उस हाँ, उस समय, समय मजदूरी, यस और अभी भी उस समय जितना ठेकेदारों का कहर और शोषण था आज भी बिल्कुल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इन सबको देख करके व्यक्ति प्रदीप गांधी के मन में क्या चलता था। कभी ये लगता था कि इस सिचुएशन को बदलने में मैं ये कर सकता हूं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो बात की चीज है, आपकी पर ठीक क्या बात। कभी मन में उत्साह होता था, ये मैं जानना चाह रहा हूं। यस यस, मैं तो इतना उत्साह होता था कि तेंदुपत्ता केवल बीड़ी के लिए ही उपयोग में क्यों आता है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। अगर उसका और वैल्यू एडिशन हो करके उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है, हो सकता है उसके अंदर कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी होंगे, ये रिसर्च का पार्ट है। और हमें उस समय भी मन में आता था कि यार इनका ये जो शोषण होता है, क्योंकि जनरली ठेकेदार ही तेंदुपत्ता के इलाके में जाते थे, अब तो सरकारों ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो सरकारें खरीद करके ठेकेदारों को ही बेचती है। लेकिन उस समय भी मन में ये आता था कि क्या इसका वैल्यू एडिशन हो करके जितने भी जंगल के उत्पाद हैं उन उत्पादों का मूल्यवर्धन करके इनकी आजीविका से इसकी कनेक्टिविटी जोड़ दी जाए तो गरीबी समाप्त हो सकती है। लेकिन चूंकि शोषण का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, उसके कारण से भारत के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में शोषण की एक लंबी दास्तान है। लेकिन प्रदीप जी, अब क्या समय, क्या क्या प्रदीप जी, क्या दास्तान है ये बताइए मुझे, शोषण की दास्तान क्या मतलब दास्तान देखिए, है? शोषण की दास्तान में बस्तर में कभी कभी जब बस्तर जाता हूं, मेरे यहां पे भी होता था, पहले इमली के बदले नमक, के बदले इमली, नमक के बदले चिरौंजी दाना, नमक के बदले मऊहा, नमक के बदले हर्रा बहर्रा आंवला, यानी ट्राइबल जो समुदाय है वो बेसिकली बहुत संतोषी समुदाय है, प्रकृति प्रेमी समुदाय है, और पर्यावरण की सबसे अधिक रक्षा करने वाला यदि विश्व में कोई समुदाय है तो वो ट्राइबल समुदाय है, वो प्रकृति के साथ बिल्कुल अपना जीवन चलाता है। अब बिल्कुल ऐसी स्थिति में अगर उनको प्रकृति का प्रहरी मान करके यदि उनके साथ और अगर हम काम को गति दें तो पर्यावरण को भी वो सुरक्षित रखेंगे, और टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसके वस्तु का मूल्यवर्धन हो तो उसको कीमत अधिक मिलेगी। आज जो चिरौंजी 1,000 रुपए किलो में बिकता है, वो पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले तो 20-30 किलो नमक में पलटी हो जाया करता था। ये शोषण की कहानी है, लेकिन समय बदला, अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो ऑनलाइन भी लोग बेचने के लिए ब्रांड के साथ अपने यहाँ की वस्तु को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं और वो नहीं, बिक भी रहा है। पर वो आदिवासी कैसे बेचेगा, उसका तो शोषण नहीं, फिर भी हो रहा है नहीं ना, ये नहीं नहीं बिचौलिए उससे खरीदते होंगे, मार्केटिंग कंपनियों देखिए, के लोग नहीं अभी अभी या क्या हुआ, स्थानीय पढ़े लिखे लोग। जी नहीं जी संत,
संतोष जी, अभी देखिए सरकारें कोई भी हो, मैं बोलता हूँ, सरकारों ने एक पहल प्रारंभ की, भाई आप अपना FPO बना लो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आपको सपोर्ट सिस्टम दे दिया जाएगा और आप क्वालिटी के साथ, अभी मेरे यहाँ की यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसने एक स्टार्टअप की प्रतियोगिता की, उसमें कुछ ट्राइबल लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की है, यानी मऊहा, ये जो मऊहा है जिसको हम अभी कह रहे थे कि ये शराब के काम आता है, उसका एक लड़के ने इसकी दलिया बनाई है और ये दलिया खाने से शरीर के अंदर ठंडे प्रदेशों में ये हीट पैदा करेगी, तो विश्व के जो ठंडे प्रदेश हैं उन ठंडे प्रदेशों में ये जो चीज है इसको बना करके यदि हम भेजेंगे तो भारत वैश्विक मार्केट को कैप्चर करेगा। ट्राइबल क्षेत्र के ये उत्पाद जो पर्यावरण पूरक हैं, ये झाड़ को लगाएंगे भी, वस्तु को लेंगे और उसको टेक्नोलॉजी के साथ वैल्यू एडेट करेंगे। अब आने वाला समय इसका है, पर्यावरण पूरक उद्योग धंधों की स्थापना करके हम संपूर्ण ट्राइबल क्षेत्रों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए तो हमारे दिमाग में विजन भी है जी, और जी, करेंगे जी। तो इसके लिए जिनको अभी आपने कहा कि नक्सलवादियों ने इतने लोगों की हत्या की और नक्सलवादी अभी भी, जो आपने बस्तर का नाम लिया और छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका, छत्तीसगढ़ से लेकर के आप झारखंड चले जाएं, वो पूरा इलाका एक बेल्ट है, वो नक्सलवादियों की अलग अलग राजधानियां हैं। तो वो फिर नक्सलवादियों का इस समय तर्क क्या है उनकी सरकार की, क्योंकि देखिए आपके यहाँ हुआ होगा, मैं आपके यहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पूरे क्षेत्र में काफी घूमा हूँ और मैंने देखा है कि सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, वो बेचारे अभी भी आदिम अवस्था में जी रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया आदिवासी। नहीं, ऐसा है संतोष जी, आप जिस जमाने में घूमे, अब आज की तारीख में सड़कें संपूर्ण क्षेत्रों में चली गई है, ठीक। अब जैसे जिले में, मैं जब सांसद था तब था 500 की आबादी के जो गांव बचे हैं वहां पर सड़कें पहुंचानी, अब वो 250 की आबादी तक आ गया है। इसका मतलब है सड़कों का जाल पहुंच गया, स्वास्थ्य केंद्र जैसे नॉर्म्स हैं उसके कि भाई 10 पंचायत 20 पंचायत के बीच में होना, ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना, तो ये वेलनेस सेंटर तो सब जगह जहां जहां होना चाहिए, अब हर गांव में हो ये आवश्यक है, लेकिन वो संसाधन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब देखिए बस्तर जैसे क्षेत्र में तो स्कूल को भी नक्सलवादियों ने उड़ा दिया, तो अगर एजुकेशन पहुंच रहा है आप उसके मार्ग में बाधा बना रहे हैं, सड़कें खोद करके आप उसको ब्लास्टिंग कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब चूंकि सरकारों ने डीप पेनिटेशन किया है, इंटीरियर स्थानों पर भी जाने का प्रयास किया है, तो स्वाभाविक है उनका भी अपना एक साम्राज्य है, कार्य क्षेत्र है, जहां पर वो लोग डेवलपमेंट को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक वैचारिक संघर्ष का दौर है और इस दौर में कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं, कुछ चीजें पीछे हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका समाधान डेवलपमेंट के अंदर छिपा हुआ है। और अगर विकास धीरे धीरे पहुंचेगा और लोगों की भागीदारी, मैं तो चाहता हूं जन भागीदारी के माध्यम से हर कार्य को आप आगे बढ़ाइए, सरकारों का गवर्नेंस कम होगा और लोगों की भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी। आपको कभी धमकियां मिली, राजनीतिक धमकियां? मैं नक्सलवादियों वाली धमकी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, राजनीतिक धमकी तो ऐसे कभी कुछ मिला नहीं। चुनाव लड़े, 3-3 चुनाव लड़े, चुनाव में सफलता भी प्राप्त की, तो कभी ऐसा नहीं रहा। और मैं विरोधियों से भी समन्वय स्थापित कर लेता था, ये मेरी थोड़ी अपनी विशेषता है, नहीं तो मैं अल्पमत में होते हुए जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं बनता। 14 कांग्रेस के थे, 10 बीजेपी के थे और उसमें मैं अध्यक्ष पद पर पहुंचा तो कहीं ना कहीं विरोधियों का सपोर्ट था तब पहुंचा, तो इसलिए कभी। हाँ, एक बात जरूर है, हमारे पुराने सांसद शिवेंद्र बहादुर जी थे, आप जानते होंगे, वो राजीव गांधी के परम मित्र थे, तो वो कहा करते थे, यार तुम लाल बत्ती लेके पूरा जिला में घूमते हो, इससे क्या होगा? मैं कहा, देखो भाई, मेरे को सांसद बना दिए हैं, लाल बत्ती मिल गई है, तो मैं पूरे गांव की परिक्रमा करना चाहता हूँ। 1600 गांव हैं, जितने गांव 5 साल में चला जाऊंगा उतना अच्छा रहेगा।
तो वो मजाक किया करते थे, यद्यपि समय से पहले उनका भी शरीर शांत तो हो गया, क्योंकि राजनीति में आने के बाद जब व्याधियां बुराइयां कुछ आ जाती हैं तो व्यक्ति का शारीरिक रूप से भी मनोबल टूट जाता है, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो मुझे कभी ऐसी कोई थ्रेटनिंग नहीं मिली। प्रदीप जी, अब जीवन के इस मोड़ के ऊपर जब आप जीवन को देखते हैं, ये सवाल ये मत मानेगा कि मैं जीवन के संध्या काल की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 आप जीवन के तीसरे पहर में प्रवेश कर रहे हैं, चौथा प्रहर नहीं है, तीसरा प्रहर है। इसमें आप जब पीछे देखते हैं तो अपनी जिंदगी में आपने क्या खोया, क्या पाया, जैसे कोई चीज हिसाब लगता है कि मैं अगर ये नहीं करता, ये करता तो ज्यादा बेहतर होता, अगर ये भी कर लेता तो मेरा जीवन ज्यादा सार्थक होता, लोगों के हित में होता। नहीं देखिए, अभी वैसे उम्र तो ज़्यादा हुई नहीं है, 57 साल पूर्ण हो गया, चूंकि दायित्व में हो गए, और तीसरे प्रहर तो 75 को आप मान रहे होंगे, है ना भाई? आप कुछ तो भी मानिए, हाँ अभी तो आप दूसरे प्रहर के सेकंड अर्ध उत्तरार्ध में हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये होता है कि भाई हम ये विचार करते हैं कि भाई हम लोगों के अनुभव और एनर्जी जो हमने समाज जीवन से देखा, सीखा, काम किया, गलती भी की उसमें, उसके आधार पर आगे की पीढ़ी को हम कुछ बता सके, एक बात। दूसरा, जैसे हम लोग MP MLA हो गए, और ये कह लीजिए कि भाई हमारे साथ कुछ बुनियादी सपोर्ट सिस्टम भी सदा रहेगा, लेकिन हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये मन में एक जज्बा और पीड़ा रहती है। और इसीलिए इस बार के IPG इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप में माननीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे थोड़े विचारवान और वो सारी गहराइयों को समझते हैं, माननीय ओम बिरला जी। तो उन्होंने काफी चीजों को इस बार स्वीकार किया कि भाई ऐसे अनुभवी लोग 75 75 साल, 80 80 साल के राजनीतिक जीवन में पांच पांच बार, सात सात बार MLA MP मंत्री बनकर दायित्व को निर्वहन करने वाले अनुभवी लोगों की एक बहुत बड़ी टीम IPG के पास है। तो हम, जरूरी नहीं है कि हमको वापस चुनाव ही लड़ना है। मैं तो कभी कभी कहता हूं यार, एक ही क्लास में कितनी बार पढ़ोगे? अरे भाई, उस क्लास से आगे तो बढ़ो, और समाज जीवन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और हम लोग एज ए लीडर के नाते हम समाज को प्रेरणा भी दे सकते हैं, दिशा भी दे सकते हैं, और नीचे जो लोग हैं हमारे भाई, उनको उंगलियों की मुट्ठी बना करके, फिंगर टू फिस्ट, उंगलियों की मुट्ठी बना करके हम एक नई फिजा को पैदा करने की ताकत रखते हैं। तो मैं तो कभी कभी पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि वापस गांव की ओर चलें, संगठित करें, नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों का इंटरवेंशन करें, आने वाली नई पीढ़ी को एक नई दिशा कैसे मिल सकती है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। क्योंकि कई बार, जैसे संतोष जी आप भी अनुभव करोगे, आप तो फर्रुखाबाद से MP थे जब BP सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब अगर आप फर्रुखाबाद के अपने पुराने मित्रों की कभी एक गोष्ठी लेके देखिए, और उनकी जो नई पीढ़ी है, या आपके चुनाव में काम किया हुआ वो वर्ग अब बूढ़ा हो चुका, उनकी दो पीढ़ियां आ गई होंगी। अब कभी आप एक प्रोग्राम रखिए फर्रुखाबाद में, अतीत के लोगों से मिलन, अपने पुराने साथियों को जिन्होंने आपका झंडा डंडा लेकर के आपको जिताया, और उसकी दो पीढ़ी के साथ जब मिलन होगा तो आपको इनोवेटिव आइडिया मिलेगा, आपको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलेगा, और हो सकता है आप अपने समृद्ध ज्ञान से उसको भी कुछ नई चीज दे सकेंगे। तो ये जो हम लोगों का जो चरैवेति चरैवेति का मंत्र था ना, कि भाई मुझे याद है आप भी आते थे पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में, एक इलाहाबाद वाले पीले रंग का पहन करके, भगवाधारी जो सेना में थे, और महात्मा, नाम मुझे याद नहीं, महात्मा गांधी जी के साथ उनका 1-to-1 बातचीत होता था। वो मुझे एक बात बताए, बोले गांधी जी देखो यार, हमारी उम्र हो गई 78 साल, हम पके हुए आम की तरह हैं, किसी दिन गिर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, तुम यहाँ सेंट्रल हॉल में मिल जाते हो, गपशप मारते हो, बातचीत होती है। बोले मैं जब देश घूमता था तो एक बार उन्होंने कहा, मैं इंदिरा जी को कहा, यहां से बंदर एक्सपोर्ट होता था रसिया, और बोले हम जब गए, लोगों ने कहा साहब बंदर एक्सपोर्ट मत करो, घोर घने जंगल में बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदता है,
और फल नीचे गिरता है और वही फल गल कर धीरे से वृक्ष के रूप में कन्वर्ट होता है। ये घोर घने जंगल मनुष्य ने नहीं तैयार किए, ये प्रकृति ने, जानवरों ने तैयार किए, और उन्होंने ये बात इंदिरा जी को आके बताई और इंदिरा जी ने फिर बंदर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध किया, मेंढक के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध किया। यानी हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो वहां का कुछ नावेल्टी लेकर आते हैं और उसकी डिलीवरी समाज के दूसरे वर्ग तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो इस काम को भी यदि हम करें तो भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत की विविधता, भारत का कल्चर, भारत का खान पान, यानी भारत की विविधता को में भी हमारी एकता छिपी हुई है। इसको हम पहुंचाने के लिए सब एक्स, चाहे वो एमएलए पार्लियामेंटेरियन हो, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का मेंबर हो, वो ब्रांड एम्बेसडर बन करके और भारत को विश्व के स्थान पर स्थापित कर सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर है और ये करना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, पर मैं आपको एक चीज प्रदीप जी की बात बताऊं, एक शेर प्रदीप जी को देख के हमेशा मुझे याद आता है कि या तो दीवाना हंसे, या वो के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो ऊपर वाला, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो मुस्कुराहट बांटने वाले प्रदीप गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और इस आईपीजी शो के बारे में द ग्रेट, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया, बिल्कुल ठीक किया, द ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, क्योंकि इसमें प्रदीप जी जैसे लोग ही हैं जो समाज के लिए अभी भी कुछ करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, जिसके बारे में इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के लोगों की आपस में काफी बातचीत हो रही है। वो मिलके देश में जगह जगह जाना चाहते हैं, रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को भी अवेयर करना चाहते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी अवेयर करना चाहते हैं कि आपकी योजनाओं की, आपकी कहानियों की असली स्थिति ये है। हम ये देख के आए हैं, ये मैंने इनकी बातचीत से भी समझा और इनके साथियों के बातचीत से भी समझा। हम हफ्ते में 5 दिन इस शो को करेंगे, द ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, और कल हमारे साथ होंगी बड़ौदा की आईपीजी की मेंबर, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की मेंबर जयबेन ठक्कर। आज प्रदीप जी का शो कैसा रहा, मैं चूंकि आज पहला दिन है इसलिए मैं ये नहीं कहता कि शो का फॉर्मेट क्या होगा, ये हर व्यक्ति के साथ बदलता रहेगा, लेकिन इतना मैं आपसे दावा करता हूं कि इसमें व्यक्ति सामने आएगा, राजनीति सामने नहीं आएगी। व्यक्ति सामने आएगा कि उसकी जिजीविषा कितनी है, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसके सपना देखने की ताकत कितनी है, समझदारी कितनी है, लोगों के प्रति संवेदना उसकी कितनी है, ये इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के उन सदस्यों की क्षमता आप देखेंगे और आपका अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में शायद विश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि दुनिया के जो दूसरे पार्लियामेंट्री ग्रुप हैं उनसे हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर कितने अलग हैं और कितने ऊर्जावान और शक्तिवान और क्षमतावान हैं। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हुए प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक तो देखिए, कल आप जया बहन को बुलाएंगे, जया बहन का एक गीत जरूर करवा देना, क्या सुमधुर लता की आवाज में गाती है, है ना, क्या बात वो है? हाँ, इसलिए उनका व्यक्तित्व का वो पक्ष भी उजागर होना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर कई चीज समाहित है, उसको थोड़ा सा कुरेदने की जरूरत है, देखिए व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा निकल करके सामने आती तो है। आपने अब यही सवाल है, आपने जया बहन की प्रतिभा बताई, अपनी प्रतिभा नहीं बताई कि आप क्या छुपाए हुए हैं। देखो नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी देखिए, आप आज तो पहला शो था, नया नया था, आपने कहा गांधी जी प्रथम यजमान आपको ही बनना है मतलब पहला तो, और चूंकि मैं आपसे पहले से भी हम लोगों की काफी चर्चा होती रही और इसीलिए ये एक आपने जो अच्छी पहल प्रारंभ की है, मैं तो इसके लिए शुभकामना देता हूँ आपकी बैकयार्ड टीम को भी, जो पीछे की टीम है वो भी मुस्तैद है, हाँ, और वो बराबर समय पर। जी आप नहीं बता पा रहे, मैं बताता हूँ लोगों को, प्रदीप जी का सबसे बड़ा गुण है कि कितना भी तनाव हो, कितनी भी टेंशन हो, आपस में बातचीत कर रहे हो,
और उस समय प्रदीप जी की मुस्कुराहट मरहम का काम करती है। ये आजकल मुस्कुराहट बांटना और मुस्कुराहट देखना गायब हो गया है, हाँ गायब हो गायब गया हो है। गया हाँ है। इसलिए इसलिए प्रदीप जी आपका ये सबसे बड़ा गुण है। लेकिन आपने जो जय बेन के बारे में कहा, वो कल हम 3 बजे उनके साथ देखिए बातचीत करते हैं, वो हमसे हाँ कैसे बातचीत करती हैं इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। पर दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, आप ये जानेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हुए हैं जो राजनीति के अलावा कितने बड़े, कितने समझदार, कितने विचारवान, कितने कल्पनाशील, कितने स्वप्नशील लोग हैं, और वो अभी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आशाएं खत्म नहीं हुई हैं। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। वाह, धन्यवाद साहब, आप बहुत सबको बहुत नमस्कार। नमस्कार।